नमस्कार जोहार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज़। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी अनामिका गौतम की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने अनामिका गौतम के खिलाफ दर्ज याचिका को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि जनवरी में इस पर सुनवाई होगी। यह याचिका देवघर के एक जमीन विवाद से जुड़ी है जो झारखंड सरकार की तरफ से दायर की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार झारखंड सरकार की विशेष याचिका पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को जस्टिस संजय किशन कौल की खंडपीठ ने राज्य सरकार की इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी। आइए हम समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम पर देवघर में 20 करोड़ की जमीन को महज 3 करोड़ में खरीदने का आरोप लगा है, जो कि नियम के विरुद्ध है। यह मामला 2019 का है। इस मामले पर मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज हुई और कर राजस्व घाटे का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गई। शिकायतकर्ता द्वारा सीएम ऑफिस भेजे गए शिकायत पत्र में बताया गया कि देवघर में एलओकेसी धाम की रजिस्ट्री 19 अगस्त 2019 को हुई, जिसकी रजिस्ट्री संख्या 770 है। आरोप लगाया गया कि सांसद ने अपने राजनीतिक प्रभाव के बल पर करीब 20 करोड़ की कीमत वाली प्रॉपर्टी सिर्फ 3 करोड़ में अपनी पत्नी के नाम पर खरीद ली। इससे झारखंड सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का घाटा हुआ। इस शिकायत के साथ पेमेंट की रसीद और सभी डॉक्यूमेंट भी भेजे गए। रसीद में इस बात का जिक्र है कि जमीन खरीदने के लिए सांसद की पत्नी की तरफ से 3 करोड़ नगद रुपए दिए गए और यह भी नियम के विरुद्ध है। देवघर में बम्पास टाउन निवासी विष्णुकांत झा ने इस मामले को लेकर देवघर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विष्णुकांत ने देवघर के रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, देवघर सीओ अनामिका शेषाद्री दुबे और अनामिका के अधिवक्ता पर शपथ पत्र में छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है। इसलिए मामला मनी लॉन्ड्रिंग व सरकार के साथ धोखाधड़ी करने तथा सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने का है। उन्होंने जांच कर कार्रवाई की मांग की है। झारखंड हाई कोर्ट में प्रार्थी राम अयोध्या शर्मा ने सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी के नाम जमीन खरीदने की जांच को लेकर जनहित याचिका दाखिल की थी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने याचिका दाखिल की और मामले की जांच इनकम टैक्स विभाग से कराने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका स्वीकार करते हुए जनवरी में सुनवाई का आदेश दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।